ये मेरी अपनी कमाई के पैसे की है, मेरी हैसियत इतनी तो नहीं है, अगर उम्मीद है कि आपको पसंद है। पहनाएंगी तो कीमती हो जाएगी। आयशा, आयशा, जी वो आयशा के घर नाश्ता लेके जाना है। बस मैं तैयार हो जाऊं फिर चलते। ठीक है, जल्दी कर लो, आयशा इंतजार कर रही होगी। अम्मी कैसी है मेरी बच्ची? मम्मी डॉक्टर से बात हुई है, अभी स्टमक वॉश कर रही हूँ। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम्ही ने उसे इतने बड़े बड़े ख्वाब दिखाए है ना? आयशा तो बोली हॉस्पिटल है, ये घर नहीं है आपका, और दुआ करें अगर अल्लाह ने चाहा तो आयशा ठीक भी हो जाएगी। और आप क्या हर चीज की जिम्मेदारी मिशाल पे क्यों डाल देती? आयशा की इस हालत के जिम्मेदार आप लोग हैं। हम? जी आप और जाहिद। हम लोगों ने आयशा से इतनी नफरत की कि वो बर्दाश्त ही नहीं कर पाई। मिशाल वो खत देना मुझे जरा, दो मुझे ये ले, ये खत पढ़ें आप और फिर बताएं कि आयशा की इस हालत का जिम्मेदार कौन है, मिशाल आप या आपका बेटा। मैं ये दुनिया छोड़कर जा रही हूँ, इस फैसले तक पहुँचने में मेरी मदद करने का शुक्रिया। तो अंकल ये घर कैसा लगा आपको? हाँ अच्छा है घर, लेकिन जो सुकून अपने घर में वो कहीं और कहाँ। और सच पूछो तो कल पूरी रात करवटें बदल बदल के काटी है, नींद बिल्कुल नहीं आई। और हम तो चाहते बस खैरियत से हमारी हुमा की शादी जल्द से जल्द हो जाए तो हम भी अपने पुराने घर वापस चले जाएं। और क्या पता हमारी बहू सासू ससुर से तंग आकर हमें घर से बाहर निकाल दें, तो इससे अच्छा है कि हम पहले ही अपने पुराने घर वापस चले जाएं। क्यों बेगम? हाँ भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, हम तो अपने घर ही चले जाएंगे। अंकल ऐसा कभी नहीं होगा, तो आप लोग इस बात की फिक्र ना ही करें तो अच्छा है। और दूसरी बात यह कि कभी अगर आपको शिकायत हो आयशा से तो आप लोग मुझे कह सकते हो। अरे ये लोग भी आ गए, आओ बेटा आओ। अब सब खैरियत है ना? अरे आओ ना बेटा नाश्ता करो। अरे लेना, आपने कल रात से कुछ दिखाया? ले
लो ना वहां से बेटा लो। अरे आप लोग भी ले ना, तकल्लुफ कर रहे हैं आप लोग तो, ये ले। आंटी आप शुरू करें। बेटा इतने दिनों से इतना सब कुछ तुम दोनों के दरमियान में चल रहा है और तुमने मुझे बताया तक नहीं। वो इसलिए कि आप परेशान ना हो। बेटा परेशान तो अभी मैं हूँ, आखिर तुम्हारा झगड़ा किस बात पे हुआ? शान को लगता है कि मैं अहमद और आयजा की शादी जानबूझ के करवाना चाहती थी ताकि अगर कल को कोई मसला हो तो मैं आयजा की जिंदगी में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकूं। ऐसे कैसे सोच लिया शान ने? उसको तो ये भी लगता है कि अहमद की सारी क्रिमिनल एक्टिविटीज में मेरा हाथ शामिल है, मैं जानती हूँ सब। बेटा मैं आज ही अरशान से बात करता हूँ। कोई जरूरत नहीं है बात करने की, उसने मुझे उस घर से बेइज्जत करके निकाले, उस घर में कभी नहीं जाऊंगी मैं। अगर आपको बात करनी ही है तो उसे कहें जो पैसे मैं आपसे लेके उसे देती रही हूँ वो वापस करें। और मुझे डाइवोर्स चाहिए, मुझे और कुछ नहीं कहना। सारा, सारा बेटा। मोहसिन, मुझे सारा के बारे में आपको एक और बात बतानी है। शी इज एक्सपेक्टिंग। अब तो रिशान से मिलना ही पड़ेगा। समीना अपनी अम्मी आयशा को होश आ गया। या अल्लाह, चलिए अम्मी उठ जल्दी से, आराम से। भाई मुझे तो बहुत ही अजीब लोग लगे, देखा था तुमने आयजा की आंखों में? मुझे तो वो बिल्कुल खुश नहीं लग रही थी। तुमने देखा था उसके सुसर को कैसी उल्टी सीधी बातें कर रहे थे? सास के रूप में सुसर मिल गया मेरी बच्ची को, एक तो जहेज में घर खरीद के दिया, बजाय इसके कि वो शुक्रगुजार होते उनके तो नाक पे ही नहीं चढ़ा वो घर, और तुमने इतना खर्चा कर दिया शादी पर आयजा की। मैंने तो लालच दिया था उन्हें ताकि इनकार ना कर सके। वैसे ही जैसे सारा के घर वालों ने हमारे साथ किया। यही समझ ले। सास ससुर को तुम्हें किसी तरह संभाल लूंगी, मगर वासे को देखा था तुमने? मुझे तो लगता है कि आयजा की गुजरी जिंदगी के बारे में वो सब कुछ जानता है, जरूर उसने ताना दिया होगा जब ही मेरी आयजा का मूड सही नहीं था। कहीं हमने गलती तो नहीं कर दी आयजा की शादी वहां करके? तो और कहां करते, कोई और रिश्ता था भी नजर में? इससे तो अच्छा था कि अहमद से ही शादी करवा देते, कम से कम वो उसे किसी और के नाम का ताना तो नहीं देता। हेलो, कब तक आओगे तुम लोग घर वापस? आयशा का हाल नहीं पूछेंगे? मुझे नहीं पूछना उसके बारे में, मेरी तरफ से वो जिए या फिर तो ये आपके लिए बुरी खबर है कि वो बच गई है। देखो जो पूछा मैंने तुमसे वो बताओ, भूख लग रही है मुझे, घर कब आओगी? अभी कुछ नहीं बता सकते, कल सुबह ही छुट्टी मिलेगी। देखो मैं ज्यादा इंतजार नहीं कर सकता हूँ, जल्दी से जल्दी घर पहुँचो। सॉरी मैं नहीं आ सकती। क्या पता हमारी बहू सास ससुर से तंग आकर हमें घर से बाहर निकाल दे। मुझे तो लगता है कि आयजा की गुजरी जिंदगी के बारे में वो सब कुछ जानता है, जरूर उसने ताना दिया होगा जब ही मेरी आयजा का मूड सही नहीं था। कहीं हमने गलती तो नहीं कर दी आयजा की शादी वहां करके? कैसे हो, ठीक हो? मैं ठीक। तो फिर कैसा लगा हमारा नया ऑफिस? अच्छा है भाई, इंशाल्लाह हम इसे जल्द तरक्की देंगे। तुमने हर तरह से मेरा बहुत साथ दिया, शुक्रिया। क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं? तुमने इतने कम वक्त में ऑफिस और घर का इंतजाम किया, थैंक यू वंस अगेन। ये तो आपकी खुशकिस्मती है कि मैंने एक एजेंट से बात की और आपको घर भी मिल गया और सौदा भी हो गया और आप शिफ्ट भी हो गए। पता नहीं खुशकिस्मती है या बदकिस्मती,
अच्छा सुनो, मैंने तुम्हें यहाँ पे इसलिए बुलाया क्योंकि मैंने कुछ फैसला किया है। अब मैं उसको देख बहुत खुश हूँ। मैंने फैसला किया कि इस कंपनी के GM तुम होगे। आप मुझे पोस्ट इसलिए दे रहे हैं क्योंकि मेरी शादी आपकी बहन से हो गई है। प्लीज़ ऐसा मत करें, मैं सर उठाकर नहीं देख पाऊँगा। आई एम सो प्राउड ऑफ यू, तुम ये डिजर्व करते हो। तुम जानते हो कि मैं हमेशा तुम्हारी इज्जत क्यों करता हूँ, क्योंकि तुम एक अच्छे इंसान भी हो। थैंक्स, बस यही बात करनी थी। ओके सुनो, तुमसे एक बात पूछनी है, इफ यू डोंट माइंड। जी पूछें। प्लीज वासे, तुमसे एक रिक्वेस्ट है मेरी, आयजा को हमेशा खुश रखना। आप बेफिक्र रहें सर, आयजा को खुश रखना मेरी जिम्मेदारी है। आइंदा वो आपको सिर्फ मुस्कुराती हुई नजर आएगी। थैंक्स, अब तुम जाओ, अपनी बेगम के साथ टाइम स्पेंड करो। जा भाई से मिल ले। मुझे किसी से नहीं मिलना, मुझे रूम में जाना है। ये क्या बात हुई, वो तुमसे बात करना चाह रहा है ना? मम्मी मैंने कहा ना मुझे किसी से बात नहीं करनी। भाभी मुझे रूम में ले चले। अच्छा मेरे साथ आओ। ये क्या बात हुई भला, दो मिनट भाई के पास बैठ जाती, वो भी हाल चाल पूछ लेता उसका। छोड़े अम्मी आप, इसको जहाँ जाना जाए, मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी। क्या हो गया आप लोगों को, बस कर दें आप लोग। वो मिशाल ही थी जो बाहिम्मत खड़ी रही और उसने हालात का डट के सामना किया। अगर आयशा, वो तो आप लोगों की अपनी है ना, कम से कम उसके साथ तो गैरों वाला सलूक ना करें आप लोग। वाह भाई वाह, देख रहे हो तुम, हम ही गैर हैं इस घर में, बाकी तो सब लोग सगे हैं उसके। वालेकुम अस्सलाम अरशियान बेटा, कैसे हो आप? ठीक हूँ अंकल, आप कैसे? बेटा मैं बिल्कुल ठीक ठाक। बेटा तुमसे जरूरी बात करनी है, क्या हम मिल सकते हैं? फोन पे नहीं कर सकता, लेकिन बेटा इस बात की गारंटी जरूर देता हूँ तुम्हें मेरी बात सुनकर अच्छा लगेगा, प्लीज इनकार मत करना। ठीक है अंकल। ठीक है, मैं आपका इंतजार करूंगा। थैंक यू सो मच, अस्सलाम वालेकुम। अब क्या बात करनी है उन्होंने, शायद सारा की वकालत करेंगे, लेकिन मैं उसे घर वापस नहीं लेकर आऊंगा। आयशा मत रो, सब ठीक हो जाएगा, मुझे नहीं रहना यहाँ पे। आपने भाई की आंखों में देखा था कैसी नफरत थी मेरे लिए, मुझे किसी तरह यहाँ से निकाल दें। आप जिससे कहेंगी मैं उससे शादी कर लूंगी, लेकिन जहाँ अम्मी और भाई ने रिश्ता देखा था मुझे वहाँ शादी नहीं करनी। आयशा तुम फिक्र मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, बस अल्लाह पर भरोसा रखो और मुझसे वादा करो आइंदा के बाद ऐसा कोई काम नहीं करोगी। मैं भी खाना लेकर आती हूँ तुम्हारे लिए। ज़मीना अभी वो मुझे फैक्ट्री जाना है, आप कुछ दिन के लिए यहाँ पे रुक सकती हैं आयशा की तबीयत जब तक ठीक हो जाए। तुम पे पिक करो, मैं यहीं हूँ। और हाँ प्लीज़ कोशिश कीजिएगा कि आयशा के सामने अम्मी या जाहिद ना जाएं, यू नो कुछ ऐसी बात बोलते वो दिल पे ले ले। तुम पे पिक करो, ऐसा ही होगा। अच्छा चले फिर, मैं चेंज करके निकलती हूँ। ठीक है। क्या कहकर गई है, कोई आयशा के कमरे में ना जाए, मैं जाऊंगी, देखती हूँ मुझे कौन रोकता है। अम्मी आपने सुना नहीं मिशाल क्या कहकर गई है? अम्मी प्लीज जाएं, आप कमरे में जाके आराम से बैठे, मैं उसके लिए खाना बना रही हूँ। और अगर उसके पास कोई भी गया ना तो मैं आयशा को अपने घर साथ ले जाऊंगी, फिर देखती रहिएगा आप उसके लिए बैठ के रिश्ते यहाँ पे। अम्मा
डांटने लग गई, मैं जाहिद को बताती हूँ जाके। देख रहा है जाहिद कैसे डांट रही है मुझे? अरे अम्मा छोड़िए ना, उन दोनों का तो दिमाग खराब है। और आपको आयशा की शादी से गर्ज होना चाहिए, अगर वो करवाना चाहती है तो करवाने दीजिए, अच्छा है, सारे मामला खुद तय करेगी। अब क्यों फोन कर रहे हो? शुक्र है तुम ठीक हो। ऐसा तुम्हें लगता है? मैं तो उसी दिन मर गई थी जिस दिन पुलिस मुझे गिरफ्तार करके लेके गई थी। शुक्र है तुमने कॉल रिसीव की है, नहीं तो मैं अभी तुम्हारे घर आ जाता। क्यों, कोई कसर बाकी रह गई है जो पूरी करना चाहते हो तुम? तुम सिर्फ मेरे लिए मरने जा रही थी, और भी तो लोग होंगे तुम्हारी जिंदगी में जिनके लिए तुम जी सकती थी। तुमने जो मेरे साथ किया है उसके बाद कोई भी नहीं रहा जिसके लिए मैं जिंदा रहती। भाई मुझसे इतनी शदीद नफरत करने लग गए, बहुत बुरा किया तुमने मेरे साथ। शादी करोगी मुझसे? फिर बेवकूफ बना रहे हो। बिल्कुल नहीं, बहुत पछता रहा हूँ मैं अपने किए पर। बहुत खुश रखूंगा तुम्हें, प्लीज। बात सुनो, वो नाजिश मैडम आ गई। वो तो छोड़ के चली गई यहाँ से। छोड़ के चली गई? जी। अच्छी लग रही हो, ऐसे रहा करो ना। वो आंटी ने बताया था कि कुछ गेस्ट आ रहे हैं तो तैयार हो जाओ। दूसरों के सामने इतना सस्ती सवरती हो, और मेरे सामने अपने घर वालों से इतने गिले शिकवे। अर्शियान भाई से कोई बात हुई थी क्या? मेरी मुलाकात हुई थी उनसे, वो पूछ रहे थे हम दोनों खुश हैं या नहीं। मैंने किसी से कुछ नहीं कहा, मुझे देख के अंदाजा लगाया होगा। इसका मतलब है तुम खुश नहीं हो? कोशिश कर रही हूँ खुश रहने की और एडजस्ट करने की। इधर देखो मेरी तरफ, जब तक हुमा की शादी नहीं हो जाती अपने घर वालों का एहसास दिलाओ कि तुम खुश हो। देखिए एक डॉक्टर होने के नाते मैं आपको मशवरा दूंगी, आप एक बार फिर अच्छी तरह सोच लें। डॉक्टर मैंने अच्छी तरह से सोच लिया है। ठीक है, साइन कर दीजिए। बेटा मुझे एहसास है पिछली बातों का बहुत तकलीफ दी थी, लेकिन अब जो होने वाला है तुम्हें पता चलेगा, पिछली सब बातें भूल जाओगे। सारा उम्मीद से है। नाजिश की जगह पे काम करोगे? मतलब सुपरवाइजर? हाँ। लेकिन मैं कैसे, शायद मुझसे ना हो पाए। मुझे यकीन है आप कर लोगी, क्योंकि आप मेहनती लड़की हो। अभी मैं तुम्हारी सैलरी 10,000 रुपए बढ़ा रहा हूँ, 15,000 पहले थी, 10,000 ये 25 हो जाएगी।